हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आप करनी है SN1 रिएक्शन जिन्होंने आप बोल देने मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, SN1 और मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये बेसिकली की करते हैं ये बच्चे, पहला तो टू स्टैप रिएक्शन होंगी है, तो यह जी आप SN2 पढ़ चुके हैं, बिल्कुल ओदे ओपोजिट होंगी है। ठीक है, सब तो पहला तो आप मैकानिज़म ही लिखा, ये पहला एक होर चीज़ SN1 दिस इज टू स्टैप रिएक्शन, ये टू स्टैप रिएक्शन होंगी है। ठीक है, पहली चीज़ तो यही है कि टू स्टैप रिएक्शन है। दूसरी चीज़ ये होंगे की है, ये एक तुसी लिया टर्शरी हैलोअलकेन लैने, टर्शरी ब्रोमाइड ले लिया। ठीक है, टर्शरी ब्रोमाइड मीनस ये वाली कार्बन आ तीन एलकाइल ग्रुप जुड़े हुए। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यदा नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया। ठीक है, जड़ा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ, अगे ये की किया CH3, इधर भी CH3 पॉजिटिव चार्ज पाता। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये होया कि हूँ कार्बन ते बरमीन, कार्बन ते बरमीन चो बरमीन इलैक्ट्रोनैगेटिव है, इन्हें इलैक्ट्रॉन अपने वाल खिंच लिया, दोनों इलैक्ट्रॉन्स न अपने वाल खिंच लिया, ये कि चार्ज है BR नैगेटिव हो गया। ठीक है, तो कार्बन को इलैक्ट्रॉन का लॉस होया तां करके ये कि चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये वाला जिहड़ा स्टैप होंदा है स्लो स्टैप होंदा है, याद रखना किहड़ा स्टैप आ, स्लो स्टैप आ। BR कार्बन ते हैलोअलकेन दे जिहड़ा बोंड सीगा उहदी ब्रेकडाउन हो गई, कार्बन ते हैलोजन जिहड़ा बोंड आ उहदी ब्रेकडाउन हो गई, BR नैगेटिव बाहर चल गया, साडे कोल बन गया कार्बोकटाइन, इहदा नाम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन। की नाम आ गया, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, ये चीज़ बन गई। हुण उहदे बाद अगे की कहानी आ, हुण सैकेंड स्टैप दे विच की हुंदा आ, ये स्टैप साडा सीगा स्टैप नंबर एक। ठीक है, फिर हुंदा स्टैप नंबर टू दे विच की हुंदा आ, जिहड़ा टर्शरी कार्बोकटाइन बनिया आ, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, वेट, टर्शरी कार्बोकटाइन बनिया जिहड़ा साडा, इत्थे पॉजिटिव चार्ज आ, इहदे नाल जिहड़ा साडा हुण इहदे ते इह न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आ, इहदे ते न्यूक्लियोफाइल दा अटैक होणा आ, न्यूक्लियोफाइल दा अटैक होणा नैगेटिव है, इन्हें इतने अटैक किया की बन गया। ये वाला स्टैप जोड़ा होंगे ये फास्ट होंगे, फॉर्मेशन का दी होगी CCH3, इस साइड क्या लग गया OH, एक ही बनया हूँ टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बनया, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है बच्चे, बेसिकली हैगी ये भी रिएक्शन ही है, मैं दोनों रिएक्शन तुहानू रिलेट कर दिना, बट तुसी SN1 दे विच की याद रखना है, SN1 जिहड़ी आ टू स्टैप रिएक्शन आ। ठीक है, तो उहदा जिहड़ा फस्ट स्टैप स्लो हुंदा, सैकेंड स्टैप फास्ट हुंदा आ, SN1 दे विच कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हुंदी आ, जिहड़ा कार्बोकटाइन हुंदा आ उहदे ते न्यूक्लियोफाइल अटैक करके अगे रिएक्शन दिंदा आ। ओके, ये आप इनू SN1 ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा क याद रखना, ये जो ऑर्डर होंगे ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जदों रिएक्शन जी मल्टी स्टैप होवे तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन स्लो स्टैप। हुण जिहड़ा स्लो स्टैप आ उहदे विच किन्ने रिएक्टेंट आ, जे आपां रेट की गल करिए,
रेट लिखना सी इतने ऑर्डर नहीं थे रेट लिखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप हूँ रेट जिहड़ा आ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इतने रिएक्टेंट एक ही आ सी एच थ्री दी थ्री बी आर यदि पावर एक ही है हूँ यदि पावर एक करके रिएक्शन का ऑर्डर की आता पाया ऑर्डर वन आता पाया जिहड़ा आपां पहलां पढ़िया सीगा उहदे विच जिहड़ा रेट आ दोनों रिएक्टेंट्स ते इहते भी डिपेंड करता सीगा तां न्यूक्लियोफाइल ते भी तां करके उहदे विच एस टू आंदा सी ऑर्डर उहनूं आपां बोलदे सी एस एन टू इहदे विच ऑर्डर वन आंदा पिया तां करके इहनूं आपां क्या बोलदे पए एस एन वन इहदे विच इदां ना कन्फ्यूज़ हो जाइओ कि दो स्टैप वाली नूं एस एन टू लिख दिओ सिंगल स्टैप नूं एस एन वन ए ओपोजिट हुंदी है एस एन वन टू स्टैप आ एस एन टू सिंगल स्टैप आ ओके जे तुहानू एस एन टू नहीं आती तो तुसी इहदे तों पिछे वाली वीडियो देख सकते हैं ओके ते जिहड़ा इहदा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है बिल्कुल उहदे ओपोजिट चलता है ठीक है जे आपां ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की गल करिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एस एन वन इहदे विच जिहड़ा टर्शरी होना है टर्शरी हलाइड जिहड़े होने आ टर्शरी हैलाइड सब तो ज़्यादा रिएक्टिव होने हैं ठीक है उसके बाद विच होने हैं सेकेंडरी हैलाइड वो तो घट होने हैं तो जिहड़े प्राइमरी हैलाइड आ सब तो घट होने हैं ये बिल्कुल ओपोजिट आ एस एन टू दे इहदे ओपोजिट चलती है ओके तो बस ये इन्ना क ही आ कि किवें किवें जो भी हुंदा पिया आ हुण इहदे विच जिहड़ा मेन आ ना रिएक्शन किवें आंदी हुंदी है देख लो पहलां एस एन वन ते एस एन टू थोड़ा कि तुहानू क्लीयर करवा दिंदा है एस एन वन इधर लिख लैने इस साइड आपां एस एन टू लिख लैने आ रिएक्शन इस तरह ही आंदी हुंदी है सिंपल जिद्दां जिहड़ी एस एन वन सी उहदे विच जे आपां ए वाला रिएक्टेंट लैके चलीए फस्ट स्टैप जिहड़ा हुंदा स्लो स्टैप सीगा उहदे विच की बन गया इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस एक्स नैगेटिव ठीक है ना ये स्टैप वन आ फिर सैकेंड स्टैप टू दे विच की होया स्टैप टू दे विच की हुंदा पिया आ कि जिहड़ा ए वाला बनिया होया इहदे उत्ते न्यूक्लियोफाइल अटैक करके की बना दिंदा है आर सी आर एनी चीज़ बन जाती है जे आपां एस एन टू की गल करिए सिंगल स्टैप रिएक्शन सिंगल स्टैप रिएक्शन इहदे विच क्या हुंदा जिहड़ा तुहाडे कोल इस तरह का कोई मान लो मिथाइल हलाइड आ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਐਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਪ ਛੱਡਤੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ठीक है इन्हू बोलते हैं इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट नहीं ट्रांजिशन स्टेट बोलते क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट ठीक है ना सैकेंड फिर उत्तों बाद चा लीव कर गया सगा ते की बन गया सगा इधरले पासे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया सी प्लस एक्स नैगेटिव बाहर चल गया सगा ठीक है ना ये तो जिहड़ा मेन डिफरेंस है इन्हां दा इह एस एन वन टू स्टैप आ एस एन टू सिंगल स्टैप है ये मैकानिज़म का डिफरेंस आ एक ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखनी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये काफ़ी इंपोर्टेंट है तो ये क्वेश्चन भी आ जाता होंगे ऑर्डर ऑफ ये टर्शरी सब तो रिएक्टिव दैन सेकेंडरी टर्शरी हैलाइड दैन सेकेंडरी हैलाइड सब तो घट प्राइमरी हैलाइड जे आपां इहदी गल करिए इहदा ओपोजिट हुंदा सब तो घट प्राइमरी फिर सैकेंडरी सब तो घट टर्शरी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी इहनां दी ओपोजिट चलदी पई है ओके इहदे विचों क्वेश्चन किस तरह बनना उह वी मैं तुहानूं दस दिंदा फिलहाल तुसीं इन्ना क याद रखना है ठीक है हुण जे आपां थोड़ा क अगे मूव करिए
बच्चे वाले तीन ना होने, ये हैगा टर्शरी सेकेंडरी हेलाइड है, प्राइमरी हेलाइड है। इन्हां दे विचों जी आपां SN1 दे अकॉर्डिंग चलना है, SN2 दा सारा जो भी इहदा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैं पिछली वीडियो च एक्सप्लेन कर चुका हां। SN1 दे अकॉर्डिंग जी आपां गल करिए, सब तो रिएक्टिव ए वाला है, उस तो घट रिएक्टिव ए वाला है। इहदी रिएक्टिविटी किस तरह डिपेंड करती पई है? रिएक्टिविटी डिपेंड करती पई जदों एक्स लीव करता पिया, जी एक्स लीव करता पिया इस केस दे विच की बनता पिया, CH3 केड़ा कार्बोकटाइन बनया? बनया टर्शरी कार्बोकटाइन। जी इस केस दे विच लीव हुंदा पिया फिर केड़ा बनता पिया है? सेकेंडरी कार्बोकटाइन। ते जेड़ा ये वाला इस केस दे विच की बनता पिया है? प्राइमरी कार्बोकटाइन। हुण टर्शरी सेकेंडरी ते प्राइमरी कार्बोकटाइन, इहदे नाल कार्बोकटाइन लिख दिओ, कार्बोकटाइन प्राइमरी कार्बोकटाइन। इहनां दे विचों सब तो ज़्यादा स्टेबल किहड़ा आ? आपां इहनां दे विचों बोलणा कि जिहड़ा ए वाला इह सब तो स्टेबल आ, ये बड़ा लैस स्टेबल, ये बड़ा लीस्ट स्टेबल, सब तो ज़्यादा स्टेबल ये बड़ा, इधरली साइड में स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये बड़ा सब तो ज़्यादा स्टेबल कहते हैं बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन, कहते करके हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन होने की होंगी है, ये होंगी है नॉन बोंड रेजोनेंस। क्या? नॉन बोंड रेजोनेंस, के नॉन बोंड रेजोनेंस। हूँ ये प्लस वन का टॉपिक है, तुम्हें पढ़िया होना। हूँ देखो ये कार्बन वो जी फस्ट कार्बन उन्होंने अल्फा कार्बन बोलते, आ कार्बन उत्तों अगली जी जड़ा जी कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज आते नाल वाली जी फस्ट कार्बन होंगी आप बोलते पे हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इतने किन्ने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? तीन। अल्फा कार्बन के जेडे अगे अल्फा हाइड्रोजन वह किन्ने? अल्फा कार्बन के जोड़े हाइड्रोजन लगे हुए उन्होंने आप बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। एक कार्बन भी अल्फा कार्बन है, ए भी, ए भी किन्ने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3, 6, 3, 9। ये अल्फा हाइड्रोजन किन्ने हो गए? अल्फा हाइड्रोजन हो गया 9। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन आ कार्बन आ, एक आ अल्फा कार्बन है, एक ए अल्फा कार्बन आ, 3 A 3 A आ, आह तो है ही नहीं कि यह डायरैक्ट हाइड्रोजन आ। तुसीं देखना कि जिहड़ी कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज आ उहदे नाल वाली कार्बन ते जिन्ने हाइड्रोजन लगे हुए उन्होंने आपां क्या बोलते पए हैं? अल्फा हाइड्रोजन। इहदे विच अल्फा हाइड्रोजन किन्ने आ? इहदे विच अल्फा हाइड्रोजन हैगी आ 6। इहदे विच अल्फा हाइड्रोजन किन्ने आ जाने? इहदे विच अल्फा हाइड्रोजन आ जाने 3। हुण देखो जिन्ने अल्फा हाइड्रोजन होणगे उन्नियां ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होनिया, किनिया उन्नियां की होनिया? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिन्निया हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होनगियां उन्ना मॉलिक्यूल की होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। जिन्निया घट होनगियां उन्ना घट स्टेबल होगा, जिन्निया घट होनगियां उन्ना घट स्टेबल होगा। सो आपां बोलदे आं कि जिहड़ा ए वाला सब तो ज़्यादा रिएक्टिव करदे आ, क्योंकि ये जदों रिएक्टिव हुंदा कि जिहड़ा टुटना चाहता है। रिएक्टिव की है? जिहड़ा टुटना चाहता है। क्यों टुटना चाहता है? क्योंकि जदों टुटदा इहदे तों बहुत स्टेबल कार्बोकटाइन बनता है, जिहदियां किन्नियां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ 9, 9। तां करके ए वाले दी रिएक्टिविटी ज़्यादा हुंदी है, इहदी रिएक्टिविटी घट हुंदी है, क्योंकि जदों टुट के जिहड़ा प्रोडक्ट बनता है वह लैस स्टेबल आ। ये चीज़ सिंपल याद रख लो, कोई भी चीज़ रिएक्टिव जो रिएक्टिव आते दा मतलब कि वो लैस स्टेबल आ। ठीक है, जे कोई चीज़ अन रिएक्टिव आ ते वो की आ? मोर स्टेबल आ। रिएक्टिविटी ते स्टेबिलिटी दो ओपोजिट टर्म्स आ। रिएक्टिव मीनस लैस स्टेबल ते अन रिएक्टिव मीनस मोर स्टेबल। हुण होर देख लो, अगर ए तो बी बन रहा है,
जे बी स्टेबल बन रहा ना, बी की बन रहा स्टेबल, जे बी स्टेबल बने दा मतलब कि ए की होगा, ए रिएक्टिव होगा, ए की होगा रिएक्टिव। अगर सेम ए तो बी बन रहा, अगर बी अनस्टेबल बन रहा तो ए की होगा ये अन रिएक्टिव होगा जां लैस रिएक्टिव होगा। गल समझ लग गई है, ये अकॉर्डिंग चलना। जे हुण आ चीज़ स्टेबल बन रही है तो ए की होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तां करके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्शरी दैन सेकेंडरी फिर प्राइमरी। घूम घुमा के इहदा जिहड़ा लिंक आ ना वो डिपेंड करता कि किहड़ा कार्बोकटाइन बन रहा है। जिहड़ा सेकेंडरी जे आपां कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखिए ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन, ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन किहड़ा हुंदा है, सेकेंडरी टर्शरी सब तो ज़्यादा रिएक्टिव हुंदा, उत्तों घट सेकेंडरी उत्तों घट प्राइमरी। क्यों हुंदा? बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन की हुंदी है? नॉन बॉन्ड रेजोनेंस। जिन्निया ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होनगियां उन्ना ज़्यादा मोलीक्यूल की होगा स्टेबल होगा। ठीक है, हुण हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स किहदे ते डिपेंड करदियां पईआं आ? वो डिपेंड करदियां पईआं अल्फा हाइड्रोजनस ते। जिन्ने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होणगे उन्नियां ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होणगियां। ठीक है बच्चे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल जिदा का आप उस केस के पढ़िया होया उहदे नाल दा रिलेटड ही आता है कि इन्हां दे विचों जिदा तुहानू उहने दो लिख देना आउट ऑफ आउट ऑफ फॉलोइंग पेयर विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एस एन वन रिएक्शन। कहिंदा जिहड़ा नीचे वाला पेयर आ, पेयर तो हले बनाना है, इन्हां दे विचों केड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स एस एन वन रिएक्शन। जे आप इहदी गल करिए इहदे विच तुसीं की देखना आ, पहला तो देखो तुहानू एस एन वन लिख के इहदा लिख लैणा सैकेंडरी, दैन टर्शरी सैकेंडरी एंड प्राइमरी। सब तो ज़्यादा किहड़ा होगा? टर्शरी होगा। हुण इहनां दे विचों देखो टर्शरी किहड़ा आ, सी सी एल, इधर भी सी एच थ्री लगा होया, इधर भी सी एच थ्री लगा होया, इधर भी सी एच थ्री। इन्हां तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए, एक ओह इन्हां तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए किहड़ा आ गया टर्शरी। जे आपां इहदी गल करिए सी एच थ्री, सी एच टू, इहदे नाल किन्ने लगे हुए? दो अलकाइल ग्रुप। ये किहड़ा है? सैकेंडरी। इन्हां चों किहड़ा स्टेबल आ? सच इन्हां दे विचों किहड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होगा? ए वाला टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कहानी तुसीं उही लिख देनी कि जदों इत्थों सी एल बॉन्ड की ब्रेकडाउन हो जानी है, सी एल की ब्रेकडाउन तो बाद ये की बन जाना? कार्बोकटाइन बन जाना है, टर्शरी कार्बोकटाइन बनना है। जिहड़ा टर्शरी कार्बोकटाइन है ज़्यादा स्टेबल हुंदा है। ज़्यादा स्टेबल क्यों हुंदा है? बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन की हुंदी है? नॉन बॉन्ड रेजोनेंस हुंदी है। नॉन बॉन्ड रेजोनेंस कादे ते डिपेंड करती है? उसकी स्टेबिलिटी किहदे नाल लिंक करती है? नॉन बॉन्ड रेजोनेंस लिंक करती है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चरस। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चरस जिन्नियां ज़्यादा होनगियां उन्ना मोलीक्यूल स्टेबल होगा। फिर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चरस किहदे ते डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती पईआं अल्फा हाइड्रोजनस ते। जिन्नियां अल्फा हाइड्रोजनस हाइड्रोजन ज़्यादा होनगियां उन्ना जिहड़ा आ उहदी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जे तुहानूं हाइपर कंजुगेशन भी नहीं आती तो इहदी वीडियो भी पई होनी है, तुसीं चैकआउट कर लियो, सर्च कर लियो। ठीक है, प्लस वन का टॉपिक आ ये। तो ये बच्चे इदा का क्वेश्चन ही मैक्सीम तुहानूं देखण नूं मिलना कि इन्हां दे विचों किहड़ा एस एन वन लई ज़्यादा रिएक्टिव आ, किहड़ा एस एन टू लई रिएक्टिव आ, तो क्यों आ वो तुसीं लिखना है। ओके, ये इन्ना ही लिख देना। जे क्वेश्चन आता पिया जिदा ये वाला आ गया, तुसीं इदा बना देना सी एल। तुसीं कहना कि जदों इहदे तों ये निकल गया सी एल, चलो गलत बन गई,
इतने पॉजिटिव चार्ज आ गया। हुण ये जिहड़ी चीज़ बनी है किहड़ी बनी है, ये बनी है साडी टर्शरी कार्बोकटाइन। ये टर्शरी कार्बोकटाइन मोर स्टेबल है, इहदे विचों रिमूव करके तुसीं बना देना सेकेंडरी कार्बोकटाइन लैस स्टेबल। ये मोर स्टेबल है तां करके ये मोर स्टेबल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बस इन्नी क चीज़ ही लिखनी है। ओके, अगर नहीं पता लगा तो मैं दस दियो, मैं एक होर वीडियो बना के यदि पा दूँगा। ठीक है, अदरवाइज तो जे तुसी वीडियो नू दो तीन बारी देख लो तो समझ आ सकती है बड़े आराम नाल। ओके बच्चे, थैंक यू।